डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पांचवा लेक्चर जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। सबसे पहले है बेटा द इंटर रिलेशनशिप। आप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस कैन नॉट बी डिनाइड। कि जी हम बायोलॉजी का जो दूसरे साइंसी उलूम के साथ जो ताल्लुक बनता है, जो ताल्लुकात हैं, उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। क्यों? बायोलॉजी इंक्लूड्स मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बायोलॉजी जो है बहुत सारी मालूमात जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक मिलती है वो बायोलॉजी इंक्लूड करती है, बायोलॉजी ही उसे शामिल करती है। जैसा कि इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि जी व्हेन वी आर स्टडीइंग द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स दैट हैज सिमिलैरिटी विद द वर्किंग ऑफ लिम्स ऑफ एनिमल्स। कि जी जब हम लीवर के असूलों को पढ़ते हैं तो लीवर के काम करने के असूल और साथ में जानवरों के जो चलने के असूल हैं दोनों में कदरे मुशाबियत है। अब इस मुशाबियत को नाम दिया गया है दिस इज कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। यानी इस रिलेशनशिप को जो कि सिमिलैरिटी जाहिर कर रहा है इसे नाम दिया गया है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस, यानी बैनुल महदूद साइंसेस का नाम दिया गया है। अब मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जिसका दूसरे साइंसी उलूम के साथ, दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ जो ताल्लुक जाहिर किया गया है उसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोफिजिक्स। देखें यहां पर लफ्ज दो इस्तेमाल हुए हैं, एक इस्तेमाल हुआ है बायो और एक इस्तेमाल हुआ है फिजिक्स। ठीक है, देखें बेटा बायो से मुराद होता है स्टडी ऑफ लाइफ और फिजिक्स से मुराद होता है स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, यानी अब वो मैटर जो लाइफ से मुताल्लिक है जब आप उसको स्टडी करेंगे तो उसे आप नाम देंगे बायोफिजिक्स का। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है कि जी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है जी, कि जी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमिना। यानी फिजिक्स के असूलों का इतलाक, फिजिक्स के असूलों का इस्तेमाल किसी भी बायोलॉजिकल मज़ाहर में, किसी भी बायोलॉजिकल मज़ाहर में जब आप फिजिक्स के असूलों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप नाम देंगे बायो फिजिक्स का।
इसमें मिसाल अगेन जो ऊपर दी गई है कि जी देयर इज अ सिमिलैरिटी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स विद द वर्किंग ऑफ लिम्स ऑफ एनिमल्स। के जी जब एक जानवर चलता है, जानवर के चलने के असूल, जानवर की मूवमेंट के हरकत करने के असूल बिल्कुल एन मुताबिक हैं किसके, लीवर के काम करने के असूल के। देखें यहाँ पर चूंकि लीवर को जो है हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं और एनिमल्स को हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, अब ये दोनों के दरमियान एक सिमिलैरिटी को जाहिर कर रहा है, दोनों के दरमियान एक मुशाबियत को जाहिर कर रहा है, इसी मुशाबियत का नाम क्या है, बायो फिजिक्स। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है रिलेशनशिप वाली वो है बेटा बायो केमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है कि जी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। देखें बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जी बायोफिजिक्स दो लफ्ज हैं, एक है बायो और एक है फिजिक्स, इसमें भी दो लफ्ज हैं, एक है बेटा बायो और एक है केमिस्ट्री। अब बायो से मुराद जैसा कि मैं आप पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि जी बायो का मतलब होता है लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ, और केमिस्ट्री भी आप लोगों को पता है कि जी केमिस्ट्री से मुराद होता है कि जी जब केमिकल रिएक्शंस या उनसे बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स का जब आप जायज़ा लेते हैं का मुतालिया करते हैं तो उसे आप नाम देते हैं केमिस्ट्री का। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यानी केमिस्ट्री से मुराद केमिकल रिएक्शन और उनके बनने वाले कंपाउंड्स का जायजा है, जबकि बायो का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जानदारों के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका मुतालिया जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अगर आप वैसे लिख देते हैं कि जी द इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स या केमिकल रिएक्शन एंड देयर कंपाउंड्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लफ्ज बायोकेमिस्ट्री आया हुआ है तो बायो को साथ रिलेट करना है, यानी साथ में लिविंग थिंग का हवाला देना है, तब जाकर आपकी डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल हो सकती है कि जी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को साथ में लाजमी तौर पर आपने इंक्लूड करना है, वगरना आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। अब इसमें आप मिसाल क्या दे सकते हैं, आप मिसाल दे सकते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म की, कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हर लिविंग थिंग्स के अंदर रूनुमा होता है, अक्कर होता है। अब इसकी जो फर्दर जो दो टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म, इसकी जो टाइप हैं वो है बेटा एनाबॉलिज्म और दूसरी है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब यहां पर आप इसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि जी एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या हो सकती है और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या हो सकती है। एनाबॉलिज्म की जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है बेटा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जबकि कैटाबॉलिज्म की जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि एनाबॉलिज्म से मुराद होता है कि जब हम छोटे केमिकल्स को, छोटे कंपाउंड्स को, छोटी सब्सटेंस को जब आपस में जोड़कर एक बड़ी सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म का, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो बड़ी सब्सटेंस होती है उस बड़ी सब्सटेंस को तोड़कर छोटी सब्सटेंस में डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है या तोड़ा जाता है या चेंज किया जाता है तो उसे हम नाम देते हैं
कैटाबॉलिज्म। देखें फोटोसिंथेसिस की अगर आप इक्वेशन देखें तो उसमें छोटे कंपाउंड्स हैं लाइक पानी H2O CO2 प्लस एनर्जी है सूरज की और साथ में क्लोरोफिल है, तो वो कन्वर्ट करता है उसको ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 जो कि एक बड़ा कंपाउंड है। इसी तरह जो रेस्पिरेशन है वो उस ग्लूकोज को तोड़ती है, यानी C6H12O6 को तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको तोड़ा जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, दोबारा से फिर पानी के अंदर और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब ये दोनों जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये असल में मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, कि किसी जानदार के अंदर फोटोसिंथेसिस का होना और साथ में रेस्पिरेशन का होना जो है एक मेटाबॉलिज्म है। इंसानी जिस्म में भी दूसरे जानवरों में भी मेटाबॉलिज्म का काम होता है, यहाँ पर एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म जो है वो रेस्पिरेशन और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसे हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म का। ठीक है बेटा, आज तक के लिए हमारा इतना ही लेक्चर। मैं आपको छोटा सा मैसेज दोबारा देता चलूँ कि जी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक बेल आइकन है यानी घंटी का निशान है, उस घंटी के निशान को भी क्लिक करें और अपने दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।